हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सैमसंग कीबोर्ड फुल सेटिंग कैसे करें। यानी सैमसंग का फ़ोन अगर आप यूज़ करते हो और उसमें आपको कीबोर्ड की फुल सेटिंग करनी है तो कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको जाना है फ़ोन की सेटिंग्स में। अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मिलेगा नीचे की तरफ एक ऑप्शन जिसका नाम होगा जनरल मैनेजमेंट। आपको जनरल मैनेजमेंट पर टच करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा कीबोर्ड लिस्ट एंड डिफ़ॉल्ट, आपको इस पर टच करना है। यहाँ पे आपको सबको बंद कर देना है और सैमसंग कीबोर्ड को चालू कर देना है। तो मेरा डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड यहाँ पे सैमसंग सिलेक्ट हो रखा है। यहाँ पे आपको मिलेगा सैमसंग कीबोर्ड, इस पर टच करें। यहाँ पे सारी सेटिंग्स आ जाएगी। सबसे पहले आ रहा है लैंग्वेजेस। आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश या अलग लैंग्वेज भी चेंज ले सकते हो। यहाँ पे आपको मिलेगा प्रेडिक्टिव टेक्स्ट। अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो, जैसे मैं लिखता हूँ हेलो, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा आई या माई नेम इज विकास, कुछ ऐसे करके। अगर मैं लिखता हूँ आई, तो ऑटोमेटिक उसके आगे LOVE लव यू आ जाएगा। तो कुछ ऐसे टेक्स्ट ऑटोमेटिक आ जाएंगे जो उसके आगे ऑटोमेटिक आते हैं या आप यूज़ करते होंगे। फिर आ रहा है इमोजी, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ वहाँ पे होम, तो होम का इमोजी आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ वहाँ पे बाइसिकल, तो बाइसिकल का इमोजी आ जाएगा। फिर आ रहा है सजेस्टेड स्टिकर एंड वाइल टाइपिंग, तो ये AR इमोजी है, इसका ज़्यादा हमें काम नहीं है। फिर आ रहा है ऑटो रिप्लेस, यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हो हिंदी इंग्लिश टेक्स्ट यहाँ पे। फिर आ रहा है ऑटो स्पेल चेक, अगर आपकी स्पेलिंग कोई गलत होती है तो आप यहाँ से इसे बंद चालू कर सकते हो। मैंने इंग्लिश में कर रखा है, हिंदी में बंद कर रखा है। मोर टाइपिंग ऑप्शन में आके आप यहाँ पे ऑटो कैपिटलाइजेशन कर सकते हो, जैसे कि पहला वर्ड हमेशा कैपिटल रहेगा। यहाँ पे लिखा डबल टैप टू स्पेस बार ऐड फुल स्टॉप, मान लीजिए आप फुल स्टॉप ऐड करना चाहते हो डबल स्पेस बार करके, उस पर डबल टैप करोगे तो स्पेस बार ऐड हो जाएगा। बैक करते हैं, यहाँ पे कीबोर्ड टूल बार है, यहाँ पे आपको मिलेगा हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड, इस पर टच करके आप हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड चालू कर सकते हो। कुछ ऐसे देख सकते हो आप, मैं इसे बंद कर देता हूँ, मेरा कोई काम नहीं है इसका। बैक करते हैं, थीम सेलेक्ट कर सकते हो आप इसकी, देखिए ब्लैक, सॉलिड लाइट, सॉलिड डार्क, मुझे ये चाहिए, मैं ये कर देता हूँ। बैक करता हूँ, यहाँ पे है मोड, इस पर टच करके आप इसका कीबोर्ड चेंज कर सकते हो, जैसे वन हैंडेड फ्लोटिंग कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड। यहाँ पे है लेआउट, यहाँ पे है साइज एंड ट्रांसपेरेंसी, आप इसका साइज और ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हो। देख सकते हो रहा है आराम से। बैक करते हैं हम, यहाँ पे फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे आज छोटा टेक्स्ट, बड़ा टेक्स्ट। बैक करते हैं इसको हम, और भी है स्वाइप टच फीडबैक, इस पर टच करके हम जब हम टाइपिंग करें तब वाइब्रेट होए कि नहीं होए, यहाँ पे वो आ रहा है टच फीडबैक, यहाँ सब कर सकते हैं। साउंड, वाइब्रेशन। वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इसमें कई सारी सेटिंग है, आप एक एक करके यूज़ करके देखिए। अगर आपको दिक्कत आती है तो रीसेट टू डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। वीडियो पसंद आई लाइक करना ना भूलें।